हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी आता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होती, तो ये मेरा लेक्चर जो है उन सभी बच्चों के लिए है जिनको इकोनॉमिक्स आती है और जिन्होंने इकोनॉमिक्स अब बहुत रेयरली पढ़ी है। तो ये क्विक रिवीजन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम खुद पढ़ते हैं तो दिमाग के अंदर क्या होता है कि वो कंसेप्ट इतना नहीं बैठता, पर जब हमें कोई पढ़ के सुनाता है, कोई बताता है, तो वो दिमाग के अंदर ज़्यादा बैठ जाता है। मुझे भी याद है कि जब मैं स्टूडेंट थी तो हमेशा मुझे, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब तो होता ही नहीं था, तो उस वक्त मुझे लगता था कि काश मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं अपना जब याद करती हूँ तो मैं इसको स्टीरियो के अंदर जो है रिकॉर्ड कर लूँ, और जब मैं रिवाइज़ करूँ तो वही स्टीरियो बार बार जो है सुनूँ, तो मेरे को जल्दी रिवीजन हो जाए। तो इसके अंदर भी क्या है कि एक यही कोशिश की गई है कि आपको इकोनॉमिक्स के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम ब्रीफली बताऊँ, मैं यहाँ पे ब्रीफली बता रही हूँ ताकि वो आपके दिमाग के अंदर जो है बैठ जाए। और उसी तरह हम एक और सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसके अंदर क्या है कि डिटेल के अंदर जो है कंसेप्ट बताया गया है, और उसी के साथ ही मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे उस लेक्चर के अंदर जो है मैंने सॉल्व किए हैं, ताकि वहाँ पे भी हम डेप्थ के अंदर जो है इकोनॉमिक्स को स्टडी कर सकें। और ये जो क्विक रिवीजन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं ब्रीफली जो है बताऊंगी ताकि वो आपके दिमाग के अंदर जो है बैठ जाएं। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में इसके स्टार्ट किया है। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है प्योरली टेक्निकल रिलेशन है, इसका अर्थ है कि आउटपुट और इनपुट का रिलेशन क्या है। आउटपुट जो है डिपेंडेंट फंक्शन है और ये डिपेंड करता है फैक्ट्री इनपुट्स के अंदर। इसका अर्थ होता है कि कितने इनपुट्स यूज़ करके हम आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। और देखो, जो प्रोडक्शन हम करते हैं तो डैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्ट्री इनपुट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हमने एक आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो जितने भी फैक्ट्री इनपुट्स हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो सबको हमें ऑर्गेनाइज करके जो है एक यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ता है। और इसी तरह हम जब शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ एक या उससे ज़्यादा जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, और जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो अगर हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो हम वेरिएबल फैक्टर होता है जिसको हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और फिक्स्ड इनपुट को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें वेरिएबल फैक्टर जो है उसको चेंज करना पड़ता है। और लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता, सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का अर्थ होता है जिनको हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वेरिएबल को ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन कम है तो वेरिएबल को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। और उसी तरह देखो, जो वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, क्योंकि बेसिकली जो प्रोडक्शन फंक्शन जो कि इनपुट और आउटपुट का टेक्निकल रिलेशन बताता है, ये जनरली दो तरह का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, या इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। देखो, वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, और अगर हमने आउटपुट को इंक्रीज़ करना है तो हमें वेरिएबल की मात्रा जो है इंक्रीज़ करनी पड़ती है। जैसे मान लो हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा जो है 1 हेक्टेयर है, तो नेचुरली हम पहले उस पर 1 लेबर लगाते हैं, फिर जब डिमांड और बढ़ जाती है तो ज़मीन को हम बदल नहीं सकते, तो नेचुरली यहाँ पे हमें लेबर को इंक्रीज़ करके जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन रेशो कह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि रेशो हमारा चेंज होता है। फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है कि एक ही रेशो होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे लैंड एंड लेबर का जो रेशो है 1:2 है, अगर डिमांड बढ़ती है तो हमें इस रेशो के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या है 1:2, तो इस रेशो के अंदर क्या होता है कि फिक्स्ड, इस रेशो के अंदर जो है दोनों वेरिएबल्स हमें इंक्रीज़ करने पड़ते हैं।
और उसी तरह देखो जो शॉर्ट रन है उसके अंदर क्या होता है कि नेचुरली शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो जो फिक्स फैक्टर के ऊपर खर्चा होता है डैट इज़ कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, जो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर खर्चा होता है वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और लॉन्ग रन कॉस्ट जो होती है कि जिसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली सारी फैक्टर्स वेरिएबल्स होते हैं, तो लॉन्ग रन कॉस्ट आर द कॉस्ट ओवर ए पीरियड ड्यूरिंग लॉन्ग एनफ टू परमिट द चेंज ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम डिमांड के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमने अगर एक और एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स को हमने मैन्युफैक्चर करना है तो वाई के कितने यूनिट जो होते हैं हम सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं, तो नेचुरली वो जो होती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसको हम सिंपल भाषा के अंदर समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर क्या है कि हम चने भी ग्रो कर सकते हैं, वीट भी ग्रो कर सकते हैं। अब वहाँ पे हम अगर हम चने ग्रो करते हैं तो हमें 1000 की इनकम होती है, बट हम चने नहीं ग्रो करते, हम वीट ग्रो करते हैं। तो जो वीट ग्रो करते हैं तो चने, अगर हम चने ग्रो करते तो वहाँ से हमें 1000 की इनकम होती, तो वो 1000 जो है डैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और उसी तरह देखो जो टोटल कॉस्ट होती है शॉर्ट रन के अंदर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। और देखो जो शेप होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की, इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका अर्थ होता है कि चाहे प्रोडक्शन ज़ीरो है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। देखो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे हमने ब्याज पे पैसा लिया है, चाहे हम काम करते हैं चाहे नहीं करते, बट हमें ब्याज देना पड़ेगा। अगर हमने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो उसका रेंट देना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता, चाहे प्रोडक्शन होती है चाहे नहीं होती है, बट फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है, इवन ज़ीरो पे भी ये इनकर होती है। और उसी तरह देखो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, और ये जो होती है इसकी शेप जो होती है इनवर्स एस होती है। और उसी तरह देखो जब हम बेसिकली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं तो उसका देखो ये फार्मूला होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हमने जो है आउटपुट के साथ जो है डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या है पर यूनिट जो है कॉस्ट आ जाती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज़ फाउंड बाई डिवाइडेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी आती है उसको लेवल ऑफ आउटपुट से हम डिवाइड करते हैं, तो पर यूनिट जो है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है उसको हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो अगर हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्यू, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है। और उसी तरह देखो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है इसका अर्थ होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट विच रिजल्ट फ्रॉम दी चेंज इन वन यूनिट। अगर देखो हम एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट है 10, अगर हम सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट है 18। देखो अब यहाँ पे हमने एक एडिशनल यूनिट मैन्युफैक्चर किया है तो एडिशनल कॉस्ट कितनी है 18 - 10 8, तो ये मार्जिनल कॉस्ट होती है कि एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट के अंदर चेंज आती है डैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और देखो यहाँ पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है ये एवरेज टोटल कॉस्ट का ही पार्ट होती है और ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को शो करती है। और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है ये होती है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के अंदर क्या होता है कि जो भी शेड्यूल होता है और उसके अंदर क्या होता है कि जो मिनिमम यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी फिजिबल लेवल ऑफ आउटपुट, कि जो आउटपुट है हमें शो किया गया है, और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो उसको प्रोड्यूस करने की मिनिमम यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी फिजिबल लेवल ऑफ आउटपुट है। और देखो जो LAC कर्व है इसकी शेप जो होती है फ्लैटर होती है, ये भी शू शेप होता है, इस तरह से होती है इसकी शेप। तो यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये यहाँ तक मिनिमम पॉइंट तक पहुँचता है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जो राइजिंग पार्ट दिस वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे देखो जो डिक्रीज़ हो रही होती है तो इकोनॉमी की वजह से होती है, और जब राइज हो रही होती है तो ये डिस इकोनॉमीज़ की वजह से होती है। और डिस इकोनॉमी जनरली जो होती है मैनेजरियल इकोनॉमीज़ होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे बिज़नेस हमारा फैलता जा रहा है तो वहाँ पे उसको कोऑर्डिनेट करना, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी जो होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी कॉस्ट जो है इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है।